मॉर्निंग। तो वेलकम टू सुधाज ब्लॉग। आज ना हमारे घर पे जय माता दी है, माता का जगराता है और आपको मैं सारी तैयारियां दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए सारे अरेंजमेंट किए गए हैं। शाम को जगराता होगा, दोपहर में कथा है और मम्मी पूजा कर रही है। पूजा कर ले। पूजा के दौरान हमारा तो फास्ट था, लेकिन दोपहर में घर के सभी मेंबर्स के लिए खाना वगैरह बना था। तो यहाँ पे माँ को वो खाना हम लोग पहले भोग दे रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे नारायण पूजा हुई, हमारे गोडाउन की पूजा हुई यहाँ पर। तो दोपहर के टाइम पे कथा हुआ यहाँ पे। ओम वय पंचामृतम मधु प्रगा घृता ते गण दक्षवावसोभ्यन संगते सर्वो देवितावसोभ्यन रुद्रो देवते पूजन ओम जीवंधु सर्वादि ते गण दक्षभ्यनम पूजनम वस्तुभ्य संगते श्रीवेदी वस्तुभ्य। तो यहाँ पर पूजा हवन आरती वगैरह हो गई। इसके बाद बहुत लेट हो रहा था क्योंकि शाम को पूजा के लिए भी हमें रेडी होना था। यहाँ पे हम लोग रेडी हो चुके हैं और कुछ अलग लुक लिए, कुछ साउथ इंडियन टाइप का। और यहाँ पे मेरे देवर मम्मी सब कोई बहन रेडी हो रहे हैं लोग, और पूजा का भी देरी हो रहा था। तो ये यहाँ पे स्पेशल एक आर्टिस्ट को बुलाया गया, ये मेरे देवर हैं जिनके साथ थोड़ा आप लोग गौर से इन्हें देखिए। आंस खड़ा होइए, थोड़ा अच्छे लग रहे हैं। सबका तैयारी चल रहा है, शाम हो चुका है, पूजा का टाइम हो रहा है, बहुत लेट भी हो रहा है। कहाँ है, चलिए, हो गया, बस घी गरम करना, चलते हैं ऊपर। हम चले आ पा रहे हैं, चलिए चलिए, ठीक है, आइए मम्मी। दरबार हो गया ना कि सब आप इधर बैठेंगे। और ये देखिए माँ का दरबार सजाया, अभी यहाँ पे पूजा वगैरह शुरू होगा। तो फटाफट बस हम लोग यहाँ पे ऊपर में आ गए, पंडित जी सारी तैयारियाँ कर दिए थे और यहाँ पे पूजा में भी हम लोग बैठ चुके हैं। यहाँ पे पूजा होगा, उसके बाद जोत चलेगा। तो यहाँ पे जोत की पूजा हो रही है और जोत जलाने के बाद माँ का जागरण शुरू होगा। तो आप लोग इस पूरे वीडियो को देखिए। जो जम रही है सभी से व्यक्ति हमें अपने स्थान पर भेजें। वक्र तुंड महाकार सूर्य कोटि सम प्रभा कौन सी घड़ी है? कीर्तन में फिर भी भूल गए, किस घड़ी के लिए आए आप?
जाके रंग की ये दाता तो यहाँ पे खाना भी बन चुका था शाम का जागरण का सभी के लिए। तो पहले माँ को यहाँ पे भोग लगाया जा रहा है, भैया लगा दे रहे हैं भोग। तो यहाँ पे भोग वगैरह लगाने के बाद हम लोग को 9 कन्या खिलाना था, तो भोग लगाने के बाद हम लोगों ने कन्या पूजन किया। बहुत ही सुंदर भजन का कार्यक्रम चल ही रहा था। साथ ही में आपको मैं नीचे की भी तैयारियां दिखाती हूँ। यहाँ पर खाना वगैरह का आयोजन किया गया था और सभी लोग नीचे में खाना वगैरह भी खा रहे थे। तो भजन वगैरह ख़त्म हो गया, इसके बाद यहाँ पर आरती की तैयारी की जा रही है। इसके बाद हम लोग आरती की है। तो आरती करने के बाद से पतिदेव जी नारियल तोड़े और माँ का पूजा बहुत ही अच्छे से संपन्न हुआ, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इसके बाद हम लोग घर के सभी बड़ों का आशीर्वाद लिए और पूजा वगैरह कंप्लीट हुई। इसके बाद हम लोग फिर नीचे चले गए खाना खाने के लिए। फिर हम लोग खाना वगैरह खा कर इसके बाद हम लोग ऊपर आए। तो अब मम्मी पापा भी निकलेंगे घर के लिए। तो आज का ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट कैसा हालत हो गया।